प्रिय दर्शकों नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि मंगल देवता मेष लग्न की कुंडली में फिफ्थ हाउस में क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल देवता सिक्स्थ हाउस में क्या रिजल्ट देंगे आपको। दोस्तों सिक्स्थ हाउस एक नेगेटिव हाउस है। सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस ये आपके नेगेटिव हाउस हैं। इनमें जब भी कोई प्लेनेट प्लेनेट स्थित होता है जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा माना जाता है कि वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा आपको। और मेष लग्न की कुंडली में तो मार्स लग्न का कारक है, लग्नेश है, लग्नाधिपति है और एट्थ हाउस के लॉर्ड भी है, तो सिक्स हाउस में जाके कैसा रिजल्ट देंगे ये आज हम बात करेंगे। दोस्तों सिक्स हाउस आपकी किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? सिक्स हाउस आपकी बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स हाउस आपके दुश्मनों को रिप्रेजेंट करता है, सिक्स हाउस आपके लिटिगेशन कोर्ट केस को रिप्रेजेंट करता है, और सिक्स हाउस कंपटीशन हाउस भी है, सर्विस का हाउस भी है, ये सब चीज़ों को सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों लग्नेश का सिक्स हाउस में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वैदिक ज्योतिषी में मार्स को सिक्स हाउस में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मार्स एक पावरफुल प्लेनेट है और सिक्स हाउस की जो क्वालिटीज हैं जैसे एनिमी हो गया, वो लिटिगेशन हो गया, कोर्ट लिटिगेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, इनको ओवरकम करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो मार्स में होती है, क्योंकि मार्स में करेज होता है। अब अपने साहस से अपने दुश्मनों को हरा सकते हो, मार्स में एनर्जी होती है, मार्स विल पावर होती है, कंपटीशन के लिए करने के लिए आपको विल पावर चाहिए, करेज चाहिए, बीमारी को हराने के लिए आपको विल पावर चाहिए आपको, तो यहाँ पे मार्स बैठ के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सबसे पहले बात करेंगे कि जो यहाँ पे जो आपके एनिमीज हैं उन पर आपका दबदबा रहेगा, उनको आप या तो वर्बली या फिजिकली किसी भी तरीके से उनको हरा दोगे। एनिमीज पर आप हमेशा ओवरकम करके रहोगे। डिजीज बीमारियों को देखें तो यहाँ मार्स वैसे तो कोई बीमारी नहीं होने देगा आपको, लेकिन यह एट्थ हाउस से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ जो सिक्स्थ हाउस है वो आपका कंपटीशन का भी हाउस है, तो मार्स यहाँ बैठ के आपको बहुत ही कंपिटेटिव नेचर का इंसान बनाएगा, कंपटीशन की भावना आप में बहुत रहेगी, कंपिटेटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने में मार्स आपकी मदद करेगा, क्योंकि मार्स में एनर्जी है, मार्स में विल पावर है, मार्स में करेज है, वो डरेगा नहीं किसी भी कंपटीशन को लेके। और यह सर्विस का हाउस भी है, तो आप जहाँ पे नौकरी करोगे वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है काम करने के लिए, तो ये मार्स आपको एनर्जी देगा। लेकिन यहाँ पे बैठ के मार्स आपके जो कलीग्स होते हैं उनके साथ थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ पे बैठ के मार्स आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करता है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करता है। अब यहाँ से देखते हैं कि मार्स की जो चौथी दृष्टि है वो नाइन्थ हाउस पे जाएगी। नाइन्थ हाउस किसका है? नाइन्थ हाउस है आपके पिता का, आपके गुरु का, फॉरेन ट्रेवल्स का, धर्म का। तो मार्स का एक एग्रेसिव प्लेनेट है, फोर्थ हाउस को देखेगा तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगा। हालांकि मार्स यहाँ पे कारक प्लेनेट है, योग कारक प्लेनेट है, तो ज़्यादा बुरा नहीं करेगा, लेकिन मार्स की क्वालिटीज है एग्रेसिव नेचर है, तो हो सकते हैं पिता के साथ गुरु के साथ थोड़े से आर्ग्यूमेंट हो, मतभेद हो, वैचारिक मतभेद हो सकता है, धर्म को मानने वाला ना हो। और ये अपनी जॉब्स, ये सर्विस का हाउस है, फॉरेन ट्रेवल्स को देखेगा, तो ये जॉब से रिलेटेड फॉरेन ट्रेवल्स भी कर सकता है। अब मार्स
की जो सप्तम दृष्टि है वो 12th हाउस से पड़ेगी। 12th हाउस आपके फॉरेन कंट्रीज का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है, बीमारी का भी हाउस है, आइसोलेशन का हाउस है, एक्सपेंडिचर का खर्चा है, कारक है, हाउस है। तो माँ जब 6th हाउस से बैठ के 12th हाउस को देखेगा तो आपके खर्चों को बढ़ा देगा, क्योंकि मार्स खुद कर्जे का कारक है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बतानी है, अगर मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है 6th हाउस में तो आपको कभी किसी को पैसे उधार नहीं देने, नहीं तो वापस नहीं आएंगे। तो 12th हाउस को देखेगा तो आपके फॉरेन ट्रेवल्स कर सकते हो आप, एक्सपेंडिचर का हाउस है तो यहाँ पे खर्चा करवाएगा आपसे, बैड प्लेजर्स का हाउस है तो थोड़ा बहुत उनमें भी दिक्कतें देगा। मार्स अपनी सप्तम दृष्टि से 8वीं दृष्टि से 1st हाउस को देखेगा। 1st हाउस इसका खुद का हाउस है। कोई भी ग्रह जब अपने ही राशि को देखता है, घर को देखता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको अच्छा करने की कोशिश करता है। तो पहले हाउस से आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपकी बॉडी देखी जाती है, आप दूसरों से कैसे इंटरेक्शन करते हो बस वो देखा जाता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है। तो मार्स जब अपने घर को देखेगा तो उसको अच्छा करने की कोशिश करेगा, यहाँ बैठ के वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। दोस्तों, अगर मार्स यहाँ पे बैठा है तो आप प्रोफेशन में, किस किस प्रोफेशन में जा सकते हो। मार्स यहाँ बैठा हुआ है और यदि सन की भी कंडीशन अच्छी है तो यहाँ पे आप मिलिट्री सर्विस में जा सकते हो, पुलिस सर्विस में जा सकते हो। अगर यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है, कहीं केतु भी अच्छा बैठा हुआ है, तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। यदि सैटर्न की पोजीशन अच्छी है तो आप जुडिशियल सर्विस में जा सकते हो। तो यहाँ बैठ के मार्स आपको नौकरी करवाएगा, सर्विस करवाएगा। अगर अदर प्लेनेट्स की कंडीशन अच्छी है तो ये आपको अच्छी प्रोफेशन में लेके जाएगा आपको। यहाँ पे जो मार्स है ना दोस्तों, ये 6th हाउस, ये 8th हाउस, ये 12th हाउस, ये नेगेटिव हाउस होते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव हाउस का प्लेनेट नेगेटिव हाउस में जाके बैठेगा तो एक किस्म का विपरीत राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में। जैसे 8th हाउस मंगल का है, ये 6th हाउस में बैठ गया जाके, तो एक विपरीत राजयोग बनाया। विपरीत राजयोग क्या होता है कि दोस्तों, जब भी लाइफ में विपरीत कंडीशन आती हैं तो ऐसा इंसान उन विपरीत परिस्थितियों को ओवरकम करके सफल हो जाता है। तो यहाँ पे मार्स एक विपरीत राजयोग भी बना रहे। यहाँ पे जब मार्स बैठेगा तो आपका डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छी होगी, आप खाओगे भी अच्छी, पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी आपकी, अच्छी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों, मार्स यहाँ पे 6th हाउस में बैठ के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कोई कमी पेशी हो तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।